हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज 28 फरवरी 2020 की सभी कर्मचारियों और पेंशन के लिए दिन भर की दो बड़ी खबरें लेके आऊँ। दोनों की दोनों खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब की इस रेड बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं पहले न्यूज़ पर। पहली न्यूज़ जो आ रही है, आप देख सकते हैं CGDA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट रक्षा लेखन महानियंत्रक की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल जो है इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, जिसमें 1 जनवरी 2004 के पहले जिनकी भी रिक्रूटमेंट हो गई थी यानी कि लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, उनको जो है अब सरकार जो है NPS की जगह पर अब उन सबको सरकार OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम देने की जो है अब प्रोवाइड करा रही है, उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में। इसके अलावा जो टाइमलाइन दी गई है आपको, वो सारी चीज़ें फिलअप करने की, वो टाइमलाइन है 31 मई 2020। इसके बाद में जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर के द्वारा ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाएंगी, तो 31 मार्च 2020 तक आप किसी भी अगर डिपार्टमेंट में, बाकी धीरे धीरे बाकी अदर डिपार्टमेंट की भी सारी चीज़ें आएंगी कि आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो ज्वाइनिंग है 1-1-2004 के बाद हुई है लेकिन किसी भी रीजन से, लेकिन आपकी रिक्रूटमेंट जो है पहले से हो गई थी 1 जनवरी 2004 के। तो आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं कवरेज अंडर CCS पेंशन रूल्स 1972 इन प्लेस ऑफ NPS फॉर एम्प्लॉइज हु सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट वाज फाइनलाइज्ड बिफोर 1-1-2004 बट हु जॉइंड गवर्नमेंट सर्विसेज और ऑल आफ्टर 1-1-2004। तो आप देख सकते हैं इसमें वही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है और फर्दर द टाइमलाइन ऑफ 31-5-2020 गिवन बाय द DOP एंड PW टू इंटाइटल इंडिविजुअल्स टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन में प्लीज बी अडेयर टू, यानी कि आपको 31 मई 2020 तक की सारी चीजें जो है फॉलो करनी है जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कर्मचारियों के लिए जो 1-1-2004 के पहले रिक्रूटमेंट तो हो गए थे लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। चलिए दूसरी न्यूज की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज जो आ रही है, आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जहां पर जो ECHS जो कार्ड धारक होते हैं यानी कि जो मिलिट्रीज में होते हैं, आर्मी में होते हैं, उनके उनके लिए जो हेल्थ कार्ड यानी मेडिकल कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, उनमें जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट आई हुई है, जिसमें 150 और जो ऑलरेडी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उनकी लिस्ट जारी की गई। तो आप जिस भी शहर में रहते हैं, आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से शहर में कौन कौन से हॉस्पिटल जो है ECHS के अंदर आते हैं, उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं इम्पैनलमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स ऑब्लिक नर्सिंग होम्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर फॉर ECHS। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अल्फाबेटिकल नाम से यहाँ पे लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं अहमदाबाद, अमृतसर। इसके अलावा मैं आपको बताता जाता हूँ, आप देखते जाइए, ये देख लीजिए आप, बी नाम से हैं, सी नाम से हैं, डी न्यू दिल्ली में भी है, काफ़ी सारे आप देख सकते हैं दिल्ली में भी हैं। तो अगर आप जिस भी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप अपने सिटी के ECHS जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स होंगे, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।